नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मित्तल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम से मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके नहीं आ पाया, तो उसके लिए सॉरी, मैं आप लोगों से दिल से सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मैं बिजी था, थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कोई भी वीडियो नहीं दे सका। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं और अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत बड़ी न्यूज़ के बारे में, जो कि है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे आप लोगों को बिटकॉइन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो वो बात क्या है, सारी बात इस वीडियो में होगी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को उस न्यूज की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, मैंने न्यूज वाला पेज खोल लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर चले जाता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, दोज हु हैव अर्न फ्रॉम बिटकॉइन विल बी टैक्स्ड। बाकी आप लोगों को दूसरी न्यूज खोल के दिखाऊं मैं, तो दूसरी न्यूज आप लोग देख सकते हैं, इंडिया वॉन्ट्स टू इम्प्लीमेंट 18% टैक्सेज ऑन ऑल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। साथ ही आपको अब तीसरी न्यूज की तरफ लेके जाऊं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया कंसिडर्स 18% टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एज ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स लीव। बाकी आप लोगों को और न्यूज की तरफ लेके जाऊं तो मैं, देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हर न्यूज में यही आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कंसिडरिंग 18% रेट्रोएक्टिव टैक्स ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग माइनिंग। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस न्यूज का मतलब समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये कहना क्या चाहते हैं। तो इस न्यूज का मतलब ये है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज हु हैव अर्न फ्रॉम बिटकॉइन वुड हैव टू गिव टैक्स। यानी कि अगर आप लोग बिटकॉइन को खरीदते हैं या बिटकॉइन को बेचते हैं, तो आप लोगों को 18% जीएसटी टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो ये टैक्स वाला सिलसिला चल रहा है, ये टैक्स वाला जो अप्लाई होगा वो जुलाई 1 से स्टार्ट हो सकता है। जो कि एक तरफ तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसा कि आप लोगों को पता है, 2 से 2.5 महीने पहले इन्होंने रोक लगा दी थी, जिससे हम लोग बैंक के थ्रू क्रिप्टो करेंसीज को नहीं खरीद सकते थे। वहीं पे इन लोगों का बयान आया है कि 18% जीएसटी टैक्स ले रही है ये। तो अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है, क्या इंडियन गवर्नमेंट, जिन्होंने बैन कर दिया था कि कोई भी बैंक से आप लोग क्रिप्टो करेंसी को नहीं खरीद सकते, क्या इसको ये दोबारा स्टार्ट कर देगी आने वाले टाइम में? क्या हम लोग फिर से इसको हम खरीद पाएंगे अपने बैंक के थ्रू? बाकी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग माइनिंग भी करते हैं तब भी आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूज ये निकल के आई है कि अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हो, सेल करते हो, तो आप लोगों को 18% जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही में अगर आप लोग माइनिंग करते हो और माइनिंग से आप लोगों की जो इनकम है वो 20 लाख से ऊपर की इनकम जाती है, यानी कि आप लोग 20 लाख से ऊपर की कमाई करते हो, तो भी आप लोगों को यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो घुमा फिरा के बात यही आती है, अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को टैक्स यहाँ पे जरूर करना पड़ेगा। बिना टैक्स पे किए आप लोग यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इंडियन गवर्नमेंट का कुछ मैटर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट ना इसको लीगल करती है ना इसको इलीगल बोलती है, लेकिन इसके ऊपर टैक्स ये जरूर ले रही है। तो आने वाले टाइम में देखने वाली बात ये है कि ये कहाँ तक क्रिप्टो करेंसी को लेके जाती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, क्या करती है, ये जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देगी या इसको बैन करेगी, ये हमें देखने वाली बात यही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों के लिए कहाँ तक ये पॉजिटिव न्यूज है, कहाँ तक ये नेगेटिव न्यूज है, वो सब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, टैक्स लेना यहाँ पे ठीक है या नहीं है? बाकी इंडियन गवर्नमेंट हमारे जो बिटकॉइन है या और भी क्रिप्टो करेंसीज है उसको यहाँ पे रेगुलेट करेगी नहीं करेगी, सारी बात आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों की क्या इसमें राय है। बाकी मैंने आसान शब्दों में आप लोगों को बता दिया है कि क्या न्यूज है, क्या इस न्यूज का मतलब है, वो मैंने आप लोगों को ब्रीफ में क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।